मैंने जाके बस यही कहा उसको कि बेटे मैं तुम्हें कहती हूँ ना, तो अपनी माँ को गाली निकाल, मेरे सामने को तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल, मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का जिसे तुमने कहा तुमने कर दिया। जो फनी वीडियोस बनाई थी गजल आपी पे, घर वालों को मेरे पता चल गया, उन्होंने कहा नहीं ये बात आप लोगों ने गलत की है, हम उनके पास जाएंगे जवाहर भाई के पास, तो उन्हें कहेंगे भाई ये गलत हुआ है, हम माजरत करते हैं। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। वो दो लड़के जिन्होंने कुरान उठा के हल्फन कहा कि रजब की फैमिली ने मुझ पर जुल्म किया और हम पर तशद्दुद किया, उसने इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया कि रजब की वालदा भी मौके पर मौजूद थी, बजाय कि वो अपनी फैमिली रजब और जो जवाद है उसको मना करते, वो इनको और ज़्यादा इश्तियाल दिलवा रही थी और इन्हें कह रही थी कि इन्हें और ज़्यादा मारें। तो रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप करिए सर? शुक्र है। ये क्या मामला पेश आया और क्या वाकया तो उस दिन मौके पे मौजूद थी? नहीं नहीं, मैं जब आई हूँ ना, मैं मिलाद पे गई थी, मैं और जवाद के मामलों मिलाद से वापस आए हैं, तो ये गैराज में बच्चों को इन्होंने बिठाया हुआ था चेयर पे। अच्छा। दो बच्चे थे, तो मैंने हमें तब तक वीडियो का नहीं पता कि कौन सी वीडियो देखी, इन लोगों को इतना गुस्सा कि इतना टाइम नहीं मिलता कि सारी वीडियो देखें, तो कुछ ना ज़्यादा नहीं पता था। जवाद ने जब ये सब कुछ हुआ मैंने कहा ये उसने मुझे वीडियो दिखाई। अच्छा। फिर मैं बाहर निकली हूँ, फरा नहीं निकली, इसकी अम्मा नहीं निकली, मैं बाहर अपने घर जाने के मैं बाहर निकली। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे कहता तब ये बच्चा कह रहा था जवाब को कि हमने नहीं कुछ किया, ये जो लड़का हमारा हेड है उसका चैनल था, उसने हमें कहा था कि इस तरह वीडियो बनानी जा। अच्छा। अब देखो ना बेटे, किसी की बहन बेटी को आप इस तरह करोगे तो फिर पड़ेगी तो सही ना, वो कौन सा मुकरे कि हमने नहीं मारा। मैंने जाके बस यही कहा उसको कि बेटे मैं तुम्हें कहती हूँ ना, तो अपनी माँ को गाली निकाल, मेरे सामने को तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल, मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का जिसे तुम्हें कहा तुमने कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं है कि मैंने ये काम नहीं करना। इतनी बात कही मैं और मैं चली गई। फिर इसने बिरयानी वगैरह मंगवा के मैंने उसको खिलाई, पैसे दे के जाओ भाई जान छोड़ो, मैं दिल में मेरे सुराग है मेरा ये मेरा वो, तुम लोग जब ऐसी हरकतें करते तब तो मैं डर नहीं लगता। लेकिन नॉर्मली जो मतलब कि आपने मतलब कि आप क्या बताया गया था कि नहीं क्यों बिठाया था यहाँ, मतलब आप आए तो ये दो बच्चे बैठे हैं, हाँ, पूछे नहीं कि कौन आए? हाँ जी, नहीं नहीं मैंने नहीं पूछा, मुझे हालत देख के समझ आ रही थी, फिर उसे मुझे कहना का क्या हुआ, कहता हमारे वीडियो देखे। अच्छा। तब तक मैंने फलाना वीडियो नहीं देखी हुई थी। अच्छा, क्या था वीडियो में? दुपट्टा लेके मानो का मेरी बेटी को हम लोग प्यार से मानो छानो कहते, बड़ा अजीब, देखो ना बंदा बुरा लगता है कि तुम लड़की को बांध के उसका दुपट्टा बना के उसको ऐसे ऐसे लफज, मेरे खुद कानों से धुआं, मुझे गुस्सा खुद बढ़ाता है इस तरह की चीज़ों। आप लोग मुझे बताओ, हमें 1.5 साल हो गया ऐसी यूट्यूब ये हमने देखी, अब सोशल मीडिया हमने अभी देखे मैंने और व्हाट्सएप ने, आप मुझे कोई एक वीडियो उठा के रजब अली की या जवाद की गजल की मुझे दिखा दो, किसी में हमने किसी की टांग खींची हो, किसी के साथ इस तरह की बेहूदगी खिला रही हो कि हम लोग अल्लाह पाक ने हमें ऊपर नहीं दी शोहरत, ये काम किए बगैर मिली है ना, तो तुम लोग नहीं कर सकते। मेरे बेटे की 24 घंटे में से 3 घंटे की नींद रहेगी सिर्फ काम कर करके, सिंसियर होकर काम किया तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी, वो कर लो कि ये तुमने ये काम करे फिर मार तो पड़नी पड़नी, जिस तरह काम करो वो तो होगा ना फिर आगे से। वो कह रहे हैं कि रजब की वालदा ही हमें लगा के छुड़वाएंगी, उन्होंने आखा के ने नहीं, मेरे आने तक वो अपने खुराक ले चुके थे, चेयर पे बैठे हुए थे, मैंने सिर्फ जब उसने कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया भाई किया, ये मेरा वो जो लड़का चला गया जो उसका चैनल है उसने हमें कहा, फिर मैंने सिर्फ ये लफ्ज़ जो दो मेरा अभी भी वजू है, मैंने सर ये कहा अच्छा चल मेरे सामने अपनी माँ को गाल निकाल, अपनी बहन को निकाल, कि अगर आप किसी के कहने पे किसी की माँ बहन को कर रहे हो तो अपनी बहन को अपनी माँ को गाल नहीं काट के दिखाना। मैं कहता हूं मेरे कहने पे कहे खुदा कैसे, वो चुप रहा बोला नहीं, फिर वो मैंने कहा अच्छा अम्मा जी बताएं कि देखें आप लोगों ने जारी बात है ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोगों का प्यार मिल जाएगा, इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि पिछले एक हफ्ते से आप लोग जितना सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं जिस हवाले से हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, मतलब कि वो पहले वो लड़का फायरिंग कर गया फिर ये मामला हो गए और ये फिर बाहर आ गए, आप इन्हें थोड़ा समझाती हैं कि आप मुझे बताओ उसमें जहाँ पे फायरिंग हुई वहाँ पे हमारा कितना कसूर था? नहीं नहीं वो तो बता रहा है कि मैं जो इस बच्चे ने बकबक भी बकबक की इसमें हमारा कितना कसूर, आप मुझे बताओ, आप लोग थर्ड पर्सन हो, बताओ ना मुझे कि रजब भाई ने क्या कहा था। मैं अभी गाड़ी से उतरी हूँ, गर्मी इतनी है मैं उतरी हूँ तो ये बच्चा 12-13 बच्चे मेरे गार्ड को घेर के खड़े, अब तुम लोग देखो एक एक वीडियो उसकी चली है गार्ड को तंग करने पे, उसने वो वतीरा ही बना लिया अपना, मैंने क्यों, मैं उतरी हूँ तो जो लड़का इसी की सोसाइटी का वो बाहर खड़ा हुआ था पहले वैद के पास, उसने मिनसा की माँ को कहा कि अम्मा को ऊपर ले जाओ, मैंने गौर नहीं किया, मेरे को कोई बात उसको समझ आ गई थी कुछ है, मैंने अच्छे से इसको शॉर्ट आउट दिया क्यों कि ये चले जाए ऐसे वैद को तंग ना करे फजूल,
यानी मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह हंगामा रही हो। मैंने उसको शॉर्ट आउट दिया, मैं ऊपर गया, मैं सीढ़ियों में ऊपर चढ़ी, कमरे में गई तो फायर हो। अब बताओ वहाँ पे हमारा कोई कसूर है? नहीं नहीं, उसमें तो वो बता रहा है, इसमें भी नहीं है बेटे, इसमें भी नहीं है। इसमें कह रहा हूँ कि क्या ये मामला थोड़े बेहतर अंदाज में, हम लोग तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अब ये जो बच्चे नए नए उठ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम शाम से पहले रजबली बन जाए, शाम से पहले गजल बन जाए, ये तो नहीं था बेटे। टाइम लगता है रजबली को, 1.5 साल नहीं लगा। हम लोगों ने मेहनत की ना, हमने कभी किसी का नाम लिया बड़े यूट्यूब, ना हम कभी किसी के घर गए, ना कभी किसी से शॉर्ट आउट लिया। हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत के सिले अल्लाह देता है, ठीक है। सारे बच्चों को मैं कहती बेटे मेहनत किया करो, उसके सिले मिलते हैं। कहाँ गया रजबली कभी, गया किसी के पास? ये कभी किसी को कहा कि वो ये बना, उसको पता ही तो कौन क्या कर, वो अपने काम से काम रखता है। सेम वैसे मेरी बेटी भी रखती है, तो क्या बनता है किसी के घर? एक दिन तूने बेहूदगी की, दूसरे दिन तू उसके घर के दरवाजे को फिर आ गया। हाँ, इतनी चूरा करी फिर तो फिर कोई छोटा फिर उसका शोहर है, उसका फिर बनता था बीवी, उसकी बीवी को कुछ कहोगे तो भाई है, तो भाई तो चीर के निकल जाते हैं। होता कि नहीं? मुझे तो अपने पे सोचो, वो अपने पे सोचे, उसकी बहन को जाकर गालियां जब दे तो छोड़ देता, कभी नहीं छोड़ता। बस वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे मेरा कम अकल और कोई इतना, अब फिर अगर कम अकली की है तो फिर उसका उसको खुमियादा तो भुगतना पड़ना ही था। कोई शोहर कोई भाई नहीं बर्दाश्त करता कि उसकी बहन जो किसी को कहते ही कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। कभी कोई वीडियो 1.5 साल में अपने काम के देख लो, कहीं ना जब मैंने किसी के बारे में कोई बात की हो, या गजल ने कभी किसी के बारे में कोई बात की हो, फिर आपको बहुत से लोग जो है इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, रजब पे बना रहे हैं और आपकी दीगर फैमिली पे बना रहे हैं, तो अगर उन्हें पता लगेगा कि इससे इनको तकलीफ हो रही है, ये हर्ट हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग तो ज्यादा उस पे ज्यादा तंग करते हैं। अभी देखो ना, जब ये बच्चे ने फायरिंग की ना, मैंने कहा था छोड़ दे सब कुछ, ऐसे ही ऐसे ही छोड़ दे, या फिर मिलना छोड़ दे। हमने मिलना छोड़ दिया, क्या नुकसान किसका? वो जो गरीब लोग आ जाते थे, किसी को किराया 5,000 दे दिया, किसी को कुछ हम इतना हम लोग कर लेते थे ना। अब वो बेचारे फोन करते हैं, कुछ लोग फोन मिलते कुछ नहीं मिलते, किन का नुकसान इस लड़के ने किया? हमें क्या, मुझे बताओ हमें क्या फायदा इस तरह की? ये जो लोग कर रहे हैं, किसी ने फायरिंग कर दी, किसी ने माँ बहन गालियाँ, ये काम करे, ये हम लोग हमारे कोई फायदे की बात है? नहीं नहीं, ये तो परेशान बात। अच्छा, हम लोगों ने कहा था दफा, अब जो कोई बोले बोलता रहे, भाई तूने, मैंने उसे तूने नहीं देखा, जो करते करें तो अपना काम कर। दूसरे दिन उसने ये देखो, अब उसके घर के बाहर फिर आके दूसरे दिन फिर वही काम कर रहा है। उसने कैमरे में देखा, उसने कहा अंदर आ जाओ, फिर तो उसने खुद कहा। लेकिन आपने क्या इस वाक्य के बाद समझाया नहीं कि बेटा बाहर हम लोग मैं तो बेटे वैसे भी वीडियो में भी कहती रहती रजबली, जियो जीने दो, अपना अपना काम करो, मेहनत में सब कुछ है, ये इन कामों में कुछ नहीं है। मैं तो अपने बेटे को कहती रहती हूँ, वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैं वैसे भी कहती हूँ, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं सेम जैसे हम वैसे आपको अपना सारा वीडियो हम उसी में दिखाते हैं आपको, ठीक है। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही हैं कि देखें अगर आप किसी की बहन बेटी को जो है उस पर तंज करेंगे, या उसको उसका लिबादा ओढ़ के, उसका किरदार अपना के, या वो करेक्टर बन के पूरे तरीके से अपना के, हाँ, मतलब कि वो मतलब कि मिमिक्री ये नहीं होती, देखो दुपट्टा लेता आप ही बन जाता, वो और बात है, और बात है जिस तरह से उछल कूद कर रहा है, जिस तरह से वो कर रहा था उसने उसमें मार खाई है। हम लोग, मैं तो कहती ना ये माँ बाप का होता है काम बेटे, माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह, जो माएँ दूध पिलाते हैं साथ साथ बच्चों को सूटे सुनाती हैं ना, उनके बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। फिर ये लोग माँ पे उंगली उठाते हैं, बाप पे कोई नहीं उठाता। हाँ नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल है कि हर शख्स को, हर वालदैन को ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। पहले लोग ये देखा करते थे कि साडा मुंडा निकल के बाहर गली चीज आगे कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम मोबाइल का इतना दौर नहीं होता था, तो लोग अपने बच्चों पर इस हवाले से बड़ी खास नज़र रखते थे कि क्या ये मोहल्ले में किसी की माँ बहन को तंग तो नहीं कर रहा, छेड़ तो नहीं रहा। अब आपको पता है, अब डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया का दौर है, मेरा ख्याल अपने बच्चों पर ये भी नज़र रखने की जरूरत है कि कौन किस को डिजिटली कितना तंग कर रहा है, क्या किसी क्या कोई कंटेंट किसी के लिए कोई हैरेसमेंट का बाइस नहीं बनता। अच्छे तरीके से बच्चों को देख सकते हैं। मैं देखो, मैं अभी भी अपने बेटे को देखती हूँ, किसी का मैसेज आया तूने, अच्छा मैंने अभी 2 दिन पहले जो कहा रजबली ध्यान रखना बेटे, जो मैं तुम्हें शुरू से कहती हूँ कि पटरी से उतरना सहना चढ़ना मुश्किल है बेटे, तुम्हारी बड़ी अच्छी ट्रैक जा रही, छोड़ दो सब जो करता करना। ये देखें एक हफ्ते से किधर आप लोग कहाँ कहाँ डिस्कस हो रहे हैं, ये सारा ये मैं अपने बच्चों को अभी भी रोक देती हूँ जहाँ पे रोकना बनता। क्यों नहीं माए रोकती कि तुम लोग कुरान उठा रहे हो, उसकी माँ ने थप्पड़ क्यों नहीं मारे, क्यों तूने कुरान उठाया? सच्चा झूठा दोनों मुसलमान जो बंदा है वो नहीं उठाता कुरान को। नहीं, वो रजब कह रहा है कि उसने सही उठाया, वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा, वो सच पूरा बोले ना, कि मैंने कह रहा पूरा सच नहीं बोल रहा, लेकिन बोल सच के बेटे बोलो, झूठ बोलो, कुरान पाक आप नहीं उठा। हाँ, ये तो कभी भी अपने जाति मामलात के लिए सुनने की बात नहीं, आप मैं कह रहा हूँ कि जाति मामलात में कभी भी शरई चीजें नहीं, आप मरते मर जाओ कुरान ना उठाओ, ये तो उसकी अम्मा को देखा। क्यों वीडियो में अपने बेटे की सारी वीडियो देखी, मैं तुम्हारी
वीडियोस देखती हूँ जो इस तरह की चीज में देखती हूँ टाइम, उसके अम्मा ने नहीं देखा क्यों कुरान पाक उठाया उसने, उसके अम्मा को रोकना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे रोकने का टाइम हो रोको, बिना वजह बच्चे को ना कुछ कहो, दोस्ती करो, जहाँ पे आ जाए इस तरह का मौका फिर लाजमी रोको। चले बहुत शुक्रिया, रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि मैं उस दिन भी वहाँ पे मौजूद थी और मैंने उस बच्चे से ये कहा कि तुम ये वीडियोस क्यों कर रहे हो, क्यों किसी की माँ बहन को जो हरासा कर रहे हो, क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं किसी के कहने पर कर रहा था, तो इन्होंने उसे कहा कि अगर आप किसी के कहने पर किसी की माँ बहन पर कीचड़ उछाल सकते हैं तो क्या मेरे कहने पर आप अपनी माँ बहन के हवाले से भी इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो ये इनका मौकफ था, वो आपने सुना।